देखिए, जो आज दो दिन पहले ही एलजी साहब ने एक इनॉग्रेशन करी, जो ऑनलाइन इनॉग्रेशन थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आईसीयू बन रहा है, पीडियाट्रिक आईसीयू बन रहा है, पीडियाट्रिक बेड्स यानी कि चिल्ड्रन जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आईसीयूज़ बनेंगे, उनके लिए पीडियाट्रिक वार्ड्स बनेंगे, हाई डिपेंडेंसी गायनी वार्ड्स बनेंगे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन एडिशन टू दीज आईसीयू फैसिलिटीज़, हमने आपने देखा कि ऑक्सीजन जो फैसिलिटीज़ है ऑलरेडी है, और ये यहाँ ही नहीं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यहाँ श्रीनगर नहीं बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे जम्मू या कश्मीर जहाँ भी है, तो आपने वो इनाग्रेशन देखा होगा। उससे क्या जाएगी कि एक टर्शरी लेवल, जो टर्शरी लेवल का ट्रीटमेंट है ये डोर स्टेप पे मिलेगा, यानी कि कुपवारा वाले को कुपवारा में मिलेगा, हंदवारे वाले को हंदवारे में मिलेगा, कोई कुलगाम से है शुपया से, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सॉर्ट ऑफ टर्शरी लेवल केयर मिलेगा। और विद इन 1-2 मंथ्स ये हमारा सारा पूरा सिस्टम जो है वो ऑन रेल आएगा, पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यही एक बड़ा चेंज है जो हर एक लेवल पर आएगा। देखिए, हमारा जो 18 प्लस हो गया, आपने देखा कि करोड़ों में हो गया, वैक्सीनेशन अच्छी रही, और हमारा एक जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि मीडिया के हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपकी वसादत से आपके जो हमारी बात लोगों तक पहुँचा दी, वो जो मिथ्स थे, रूमर्स थे अबाउट वैक्सीनेशन, वो दूर हो गए, और हमारे जो बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 15 to 17 एज ग्रुप लेस देन 18, उसमें हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है। इवन इसमें भी जो मोर देन 60 विद कोमॉर्बिडिटी वैक्सीनेशन पूरी होगी, और हमारे लोग अभी भी कर रहे हैं वैक्सीनेशन से ही, ये जो तीसरा वेव है जल्द, बहुत जल्द ख़त्म हो गया। और जो हमने स्कूल्स का डिसीजन लिया, एलजी गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने जो ये डिसीजन लिया कि हम स्कूल्स को खोल रहे हैं, लेकिन हमने उनको जो एसओपीज दी है हर एक जगह से, यानी कि घर से जब बच्चा निकलेगा वो उस बस में, मेटाडोर में, गाड़ी में जाएगा तो वहाँ भी एसओपीज मेंटेन होंगी, जब ही वो स्कूल पहुँचेगा तो वहाँ बाहर ही उसको देखा जाएगा कि इसने मास्क पूरी तरह से पहना है, प्रॉपरली पहना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसको वहाँ थर्मल जो स्कैनिंग होगी वो भी होगी, कहीं अगर हमें लगा गेट पे ही, एंट्री पे ही लगा कोई फिब्राइल बच्चा या कोई और प्रॉब्लम है, उसको घर वापस सही सलामत भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो ही एंट्री होगी तो हमने उनको ये डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर कभी आप समझिए कि 80 स्टूडेंट्स एक क्लास में रहते थे, वहाँ सोशल डिस्टेंस पूरी तरह मेंटेन रहेगी, वहाँ 80 के बजाय 40 ही रहेंगे, और सैनिटाइजर्स, सफाई का जो पूरा इंतज़ाम वहाँ रहेगा, बाकी उनका बिल्कुल तालमेल रहेगा, हमारे जो हेल्थ सिस्टम है, हमारे जो वहाँ इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके साथ टाई अप भी हुआ है, और रैंडमली एक ये टेस्टिंग भी वहाँ होगी, अगर खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव निकला उसको पूरा इलाज किया जाएगा, घर आइसोलेशन में भेजा जाएगा। हम रेडी हैं, गवर्नमेंट रेडी है, स्कूल डायरेक्टरेट रेडी है, और हम भी रेडी है, इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये यही मैसेज है, जैसे सेकंड स्टेज आपका वो नीचे आ गए थे केसेस, फिर हमने छोड़ दिया, एहतियात करना, एहतियात जारी रखें, वैक्सीनेशन अगर किसी ने नहीं किए मेहरबानी करके वैक्सीन करें, वैक्सीन ही हमें बचा सकता है, उसके बाद एसओपीज़ को मेंटेन करें, खासकर अगर आप स्कूल खुल रहे हैं और जहां भी कोई गैदरिंग होगी कहीं पे भी, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी मीटिंग कहीं पर होगी, कुछ भी होगा, वहाँ ज़रूरी ये जो एसओपीज़ को मेंटेन करना है, यही गुजारिश रही, वैक्सीन ले लें, एसओपीज़ को ध्यान में रखें, और इंशाल्लाह हम इस वबा से निकलेंगे और निकल भी गए।